हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अनु जिंदल डॉट इन। तो फाइनली ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं और आप हर वीक सेशन में मुझसे पूछते थे कि सर एग्जाम की डेट्स कब आएंगी, एग्जाम की डेट्स कब आएंगी, एग्जाम की डेट्स कब आएंगी। एंड फाइनली वो डेट आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी प्रिपरेशन को डबल स्पीड से इंक्रीज करना है। जहां पहले 2 आवर्स देते थे तो अब 4 आवर्स देने हैं और एक्स्ट्रा टाइम देना है ताकि आप इजिली इस एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं वो तो मुझे जानते ही हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूं, माई सेल्फ हरनीत सिंह हियर, मेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम करते क्या थे, जब से नोटिफिकेशन आई थी हमने नॉन स्टॉप एमसी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, और साथ साथ बाकी हमारे शुभम सर के साथ हमने मार्केटिंग के एमसी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा दूंगा। आज का टॉपिक क्या है, आज हम करेंगे पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस। अब आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी पास्ट ईयर पेपर को देख चुके होंगे, बट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास्ट ईयर पेपर को बार बार एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सर क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रिपेयर कर रहे हो तो हम अपने उसी लेवल तक या फिर उसी लिमिट में ही प्रिपेयर करें जिसमें चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आए। तो आज जब मैं दोबारा एनालिसिस करूंगा पास्ट ईयर पेपर का आपके साथ, तो साथ साथ की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने ऑलरेडी एनालिसिस वगैरह देख रखे हैं या खुद एनालिसिस कर रखा है पास्ट ईयर का, तो पूरी वीडियो को दोबारा जरूर देखना, क्योंकि जब जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे हमें माइंड में रखना है कि पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे या जिसके बियॉन्ड हमें नहीं प्रिपरेशन करनी। ठीक है, करें स्टार्ट। तो जैसे आप सबको पता होगा लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ था वो हुआ था 2012 में, तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस ही आएंगे जैसे कि हमारे लास्ट टाइम आए थे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस भी हमारे दो पार्ट्स में होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा उसमें होंगे हमारे इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस। तो दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमें एक्सपेक्टेड है कि 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कि होंगे हमारे इंग्लिश के, मतलब पार्ट ए के तो कंफर्म्ड है इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमारा जो आया था 3 क्वेश्चन आए थे हमारे आरसी से, और आरसी हमारा बहुत इजी था। इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरसी से 3 to 5 क्वेश्चंस आएंगे। अब जो मेन पॉइंट है, हम आरसी को प्रैक्टिस कैसे करें। देखो दो चीजें हैं, आरसी बहुत इजी आता है तो इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान होता है, तो हम आराम से अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें 3 to 4 स्कोर कर सकते हैं, तो क्यों मार्क्स लूज आउट करना। अगर अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे आरसी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्या कीजिए, और आरसीज की प्रैक्टिस करिए। कोई स्पेसिफिकली अलग से पढ़ने की चीज की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो आप इजीली आप अपना आरसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हमने इंग्लिश में क्या देखा, इंग्लिश में देखा कि हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे जो कि बहुत ही इजी थे। देखो अगर आप देख सको तो सिर्फ एक वर्ड देने की बजाय इन्होंने पूरा सेंटेंस दे रखा है। सेंटेंस से क्या होता है, अगर हमारे पास एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता हम वर्ड का, तो हम सेंटेंस देख के उसका मीनिंग सर्च मतलब सोच सकते हैं। अगर डिफिकल्ट होता तो सिर्फ वो वर्ड देख के भी उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछ सकते थे। तो बहुत ही इजी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से हमारे पास, और एक्सपेक्ट है कि इस बार भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं और इजी ही रहेंगे। अब इसके लिए आप कई बुक्स रेफर कर सकते हैं, जैसे वर्ड पावर मेड इजी, या फिर वोकैबुलरी के सेशंस वगैरह देख सकते हैं यूट्यूब पे। फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बाद हमारे पास थे सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस, राइट, अराउंड हमारे पास 4 क्वेश्चंस थे सेंटेंस करेक्शन के। और अगर आपने पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे हुए हैं तो मैक्सिमम एग्जाम्स में हमारा सेंटेंस करेक्शन पूछा जाता है, तो इस बार भी चांसेस रहेंगे कि सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस
हमारे एग्जाम में देखने को मिले. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर जो ये सेंटेंस करेक्शन है या मैं पूरे इंग्लिश की बात करूं तो इन सब का बेस क्या है हमारा? ग्रामर. अगर हमारी ग्रामर क्लियर है हमें तो इंग्लिश के में स्कोर करना हमारे लिए बहुत ही इजी रहने वाला है, राइट? तो हमारे को फोकस क्या करना है इंग्लिश में? ग्रामर पे फोकस करना है. या फिर हम क्या कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश के सेट लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस किस पॉइंट में हम फंस रहे हैं. अच्छा, ये तो हो गई प्रीवियस ईयर की बात. अब चांसेस हैं कि हमारे जो क्वेश्चन देखे जाए, क्योंकि जो हमारा एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2012 में, तो ऑलमोस्ट 10 टू 11 इयर्स के बाद हमारा ये एग्जाम हो रहा है. तो अब वैरायटी भी देखने को मिल सकती है हमें क्वेश्चंस में, जैसे कि हमारे पास जंबल सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, फिर या फिर क्लोज टेस्ट जो कि हमारे फिलिंग इन द ब्लैंक्स वगैरह हो गए वो भी आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सेंटेंस रिप्लेसमेंट से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. और लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन हमारे इजी टू मॉडरेट ही रहने वाले हैं, एक्सेप्ट एक या दो रहेंगे जो डिफिकल्ट रहेंगे, ठीक है? तो 15 में से हमें ट्राई करना है कि हमारे 12 टू 13 मार्क्स इजिली स्कोर किए. और इसका कुछ नहीं करना हमें सेपरेटली, या तो हमें ग्रामर का बेस रखना है, अगर ग्रामर का बेस हमारा अच्छा है तो हमें प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहने हैं जिससे हमारे इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? समझ आ गया? तो ये तो बेस्ट पार्ट रहता है और बहुत जल्दी सॉल्व होता है हमारा पार्ट ए. तो एज कंपेयर टू अदर थिंग्स टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है हमारा पार्ट ए. फिर आता है हमारा पार्ट बी. देखो इस पीडीएफ में क्या है, हमने ऑलरेडी एग्जाम मतलब क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हुआ है, तो उसको मैं डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करने वाला. तो वो आप पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा इजी है या कौन सा डिफिकल्ट है और कौन सा कहां से पूछा गया. जो मेन टास्क है मेरा कि हम एनालिसिस करें कि हाँ भाई कितना पढ़ना है. जैसे इंग्लिश में मैंने बात करी कि अब इस टाइम एक मंथ हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ टेस्ट की, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें कितना आता है या हमारे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा ग्रामर वीक है तो ग्रामर पे पोर्शन पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं. चले आगे. अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट बी. पार्ट बी में हमारे 85 क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड हैं, जो कि हमारे डिफरेंट टॉपिक्स गिवन थे सिलेबस में उसमें से, ठीक है? तो हमारा अगर मैं देखूं पास्ट ईयर में, तो पास्ट ईयर में पहले तो हमारे को स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चंस मिले जो कि हमारे मॉडरेट लेवल के थे, और फिर उसके बाद करंट के क्वेश्चंस मिले. अब करंट के लिए वो आपको ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स या उससे ज्यादा मैक्स टू मैक्स एक ईयर के तक के लिए आप अभी प्रिपेयर कर सकते हो. और अगर आप करंट की वीडियोस या स्पॉटलाइट डेली पढ़ रहे हो तो आपके क्वेश्चंस हैं कि इजीली हो जाएंगे. फिर हमारा हिस्ट्री से फैक्चुअल क्वेश्चन मिला. ये डिफिकल्ट इसलिए कि अगर आपको फैक्ट्स याद हैं तो इजिली हो जाएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं होने वाला. फिर हम बात करें आगे हिस्ट्री के बाद हमारे पास 20 से लेकर 24 क्वेश्चन तक HRM के क्वेश्चंस मिले, बहुत बेसिक क्वेश्चंस से. अच्छा एक चीज और, कि जैसे मैंने यहां लिखा है कि 20 to 24 HRM के क्वेश्चंस हैं, इट डजंट मीन कि पूरे एग्जाम में ये पैटर्न फॉलो हुआ है. स्टार्टिंग में ये पैटर्न फॉलो हुआ कि उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस सेम सब्जेक्ट से दे दिए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने क्वेश्चंस को मिक्स करना शुरू कर दिया. तो हम इस बार भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हर एक टॉपिक से मिक्स होकर क्वेश्चंस हमारे पास मिलने वाले हैं. देखो अब HRM में बात करें तो फिर हमारे पास एटीट्यूड से क्वेश्चन आया था, उसके बाद हमारे पास मोटिवेशन से क्वेश्चन है. अगर मोटिवेशन से क्वेश्चन देखें हम तो वो भी बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है. मोटिवेशन की थ्योरी बोल रखी है मैस्लो नीड हायरार्की की थ्योरी. अगर आप मोटिवेशन पढ़ना भी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली थ्योरी हमारी कौन सी आती है? मैस्लो नीड हायरार्की की थ्योरी. तो इधर से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे. अब ये ना हो कि आप मोटिवेशन पढ़ने बैठे और सारी की सारी थ्योरीज पढ़ने बैठ गए. तो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 2 to 3 थ्योरीज है, जैसे मैस्लो के बाद हमारे पास हर्ज़बर्ग की थ्योरी आ जाती है, या थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई आ जाती है, जो कि बहुत बेसिक्स हैं, वो हमारी एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं. तो उतने ही डीप में जाना जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन की सारी थ्योरीज पढ़ने बैठ गए, ठीक है? एक्सपेक्ट है कि मॉडरेट लेवल तक ही वो जाएंगे. अब एक और चीज, अगर आपने क्लास 11th या 12th में बीएससी वगैरह पढ़ी होगी, कॉमर्स सब्जेक्ट होंगे,
तो आपको याद होगा, तो ये 11th 12th के टॉपिक्स हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कितना बेसिक पेपर था ये, और यही एक्सपेक्ट है कि थोड़ा सा लेवल राइज होगा क्योंकि 10 साल बाद पेपर हो रहा है, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो डिफिकल्ट पेपर बनाएंगे। फिर देखो आगे, जैसे फिर हमारा ट्रेनिंग में से क्वेश्चन आया, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। फिर हमारे पास एचआरएम का एम्प्लॉय ओरिएंटेशन से क्वेश्चन है जो कि मॉडरेट लेवल का था। तो एचआरएम के हमारे पास ऐसे चार क्वेश्चन थे, और लास्ट हो गया हमारे पास ट्रेनिंग से क्वेश्चन। तो ट्रेनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और जरूरी नहीं है भाई आप डिप्टी डायरेक्टर लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे। सारे क्वेश्चन क्या, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एनालिसिस बेसिस पे होंगे कि आपने अगर टॉपिक को अच्छे से समझ रखा होगा तो ही उनके आंसर्स दे पाओगे। तो फोकस करना कि कंसेप्ट को अच्छे से समझा जाए, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास 25 से लेकर 29 तक कंप्यूटर के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज्यादा इजी आए थे, और इस बार भी एक्सपेक्टेड ही है कि इजी से मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इस बार हम सोच सकते हैं कि भाई रेदर देन बेसिक क्वेश्चंस वो हमारे से वर्ड या फिर एक्सेल वगैरह पे क्वेश्चन पूछ ले, या अगर कभी कई एग्जाम्स में मैंने देखा है वो टैली वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो गए, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन क्लब भी हो जाएगा, अकाउंटेंसी से भी हो गया और कंप्यूटर का भी हो गया कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर, जैसे एग्जाम्पल कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं अकाउंटिंग के लिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिले, बट ईजी रहने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन भी। फिर हमारे पास आए हैं कंप्यूटर के बाद 30-34 हमारे पास 5 क्वेश्चन थे जनरल स्टडीज से, जो कि हमारे हो गए बायोलॉजी से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फिजिक्स से इजी क्वेश्चन था, फिर बायोलॉजी से मॉडरेट क्वेश्चन, और बायोलॉजी से मॉडरेट क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस से आए हैं। अगर आपने 9th 10th वगैरह में एनसीईआरटी वगैरह को फॉलो किया होगा तो आप इन क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजिली दे सकते हो। फिर उसके बाद थी 35-38 हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग से 4 क्वेश्चन थे। सिर्फ 4 नहीं है, पहले बता दूं आगे इन्होंने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया, आगे क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है, तो हमें आगे न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग से और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी हमारा टास्क क्या होगा कि हम देखें भाई किस लेवल के ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अगर देखें तो इसमें बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्होंने, कोई स्पेसिफिक आप कंसेप्ट पढ़ के जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के ऐसा कुछ जाने की जरूरत नहीं है, आपको उधर बैठ के ही माइंड को अप्लाई करना पड़ता अगर ये दो क्वेश्चंस आते, ठीक है ना। जैसे अगर हम इन दो क्वेश्चंस को देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले से कुछ आना जाना चाहिए, इट्स टोटली ऑन योर मेंटल एबिलिटी जो कि आपकी प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगी। अच्छा एक चीज और बच्चों को रिमाइंड करा दूं कि भाई जब क्वांट्स वगैरह के क्वेश्चन करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, तो इन क्वेश्चंस में टाइमिंग्स का भी बहुत ध्यान रखा करना कि भाई चले एक क्वेश्चन में आपने 15-20 मिनट्स बर्बाद कर दिए जिससे आप बाकी क्वेश्चंस देख नहीं पाए। देयर इज सफिशिएंट टाइम, आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं, लेकिन तब भी अगर आप 15-20 मिनट्स एक क्वेश्चन पे देंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बेटर गुड, अगर वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर चुका है या आपको लग रहा है कि वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा तो उसे लास्ट के लिए रख लो, ठीक है। चले आगे, फिर उसके बाद हमारे पास मैथ्स का इजी था, तो हर एक चीज डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये एनालिसिस आप कर भी चुके होंगे कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम का, लेकिन किस किस चीजों पे फोकस रखना है एग्जाम देते वक्त उन चीजों पे रखो कि भाई ज्यादा टाइम नहीं लेना, 2 आवर्स है। देखो मैं क्या करता होता था कि लेट्स सपोज 2 आवर का पेपर है तो मैं क्या करूंगा, 100 क्वेश्चंस है तो मैं माइंड में पहले ही मेंटेन करके चलूंगा कि मेरे को 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस खत्म कर देने हैं। तो मेरा टारगेट क्या होगा कि 30 मिनट्स क्या 25 मिनट्स में ही 20 क्वेश्चंस खत्म हो जाए, 20 मिनट्स में ही 25 क्वेश्चंस खत्म हो जाए। मतलब हर बार देखूंगा मैं कि अच्छा 25 मिनट्स बीत चुके हैं ना तो भाई एटलीस्ट मेरे 20 क्वेश्चंस खत्म हो जा चुके होंगे, फिर 1 आवर बीत चुका है ना तो मेरे 50 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। इससे क्या है, उससे हमें स्पीड का पता चलता रहता है कि पता चले 1 आवर खत्म हो चुका है, हम 30 क्वेश्चंस पे ही बैठे हुए हैं अभी तक और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बाकी क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें पहले से ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि जैसे ही लेट्स सपोज 1 आवर बीता और मैंने चेक किया कि मेरे 40-45 क्वेश्चंस हुए, तो मेरे को स्पीड को इंक्रीज करना है कि मेरे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी जल्दी इंप्रूव हो, कि मतलब मेरे को पता चल जाएगा उधर से कि मैं स्लो चल रहा हूं, ठीक है।
तो ऐसे ही आपको टाइम को भी ध्यान में रखना है। कई स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत टाइम के बाद, गैप के बाद एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो इस चीज को खासकर ध्यान रखें। जो रेगुलरली एग्जाम दे रहे होंगे तो उनको तो ये बात ऑलरेडी पता होगी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि हाँ भाई, कि जो मैंने अभी बताया कि 2 hours हैं, तो 20 minutes में हमारे ऑलमोस्ट 25 questions हो जाने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि हाँ क्या हुए या नहीं हुए। मतलब ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के बाद टाइमर लेके बैठ जाओ कि हाँ भाई एक क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए, तो 1 मिनट बाद चेक कर रहे हैं क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, वो भी टाइम वेस्टेज है। तो ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हैं कि 30 मिनट्स में 25 questions, फिर 1 hour में 50 questions, 1 hour 30 मिनट्स में हमारे 75 questions हो जाने चाहिए, ताकि 2 hours में हमारे 100 questions हो जाए। फिर उसके बाद देखो, हमें प्रीवियस ईयर में उसके बाद हमें मैथ के बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इस बार सिलेबस में नहीं है, माइट भी पिछली बार हो, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बेसिक हैं, कि जो आपके जनरल स्टडीज या फिर मैं बोलूं करंट से भी रिलेट कर सकते, के अंडर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी होगा तो उसे इस इकोनॉमिक वर्ड का मतलब तो पता होना चाहिए, राइट? तो इतने बेसिक क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे सब्जेक्ट से भी आ जाएंगे। फिर सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक्स से भी हमें देखने को मिले। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो याद होगा ये हमारे 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक था और ये 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक था। तो इससे ही आप पता लगा सकते हो कि 11, 12 के क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद हमारे पास करंट से क्वेश्चन है जो कि आपका स्पॉटलाइट से इजीली कवर हो जाएगा। फिर देखो, इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन बहुत इजी है कि इनकम टैक्स कौन सा हो सकता है। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीएसटी से वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फिर हमारा हो गया, उसके बाद इकोनॉमी का इजी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन दोबारा, अच्छा ये हमारा इकोनॉमी से, ये मैं कहूंगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है रेदर देन इजी, डिफिकल्ट क्वेश्चन है रेदर देन इजी। क्यों सर डिफिकल्ट है? देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, बेस जीरो बेस बजटिंग का, जो कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में मेजरली पढ़ा जाता है बजट एंड बजटरी कंट्रोल के अंदर, राइट और रॉन्ग। तो उधर हम पढ़ते हैं जीरो बेस बजटिंग क्या होता है। जीरो बेस बजटिंग मतलब कि हाँ भाई, हम स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कई बच्चों को माइट भी, आप पूरा भी पढ़ के जाओ तो ये आंसर नहीं कर सकते। तो ये हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन कहूंगा। फिर उसके बाद इकोनॉमी से इजी क्वेश्चन है हमारे पास, फिर उसके बाद इकोनॉमी से हमारे पास इजी क्वेश्चन है। फिर हमें अकाउंट्स के क्वेश्चन देखने गए हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले थे पास्ट ईयर में। हाँ, थोड़ा लेवल इंक्रीज जरूर होगा, लेकिन मैंने अभी बताया कि अगर आपने मेरी वीडियोस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की देखी होंगी तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, तो है क्या, हमारे पूरी स्टार्टिंग से जब नोटिफिकेशन आई थी हमने किया क्या था कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने स्टार्ट करे थे और हर एक चैप्टर के 5-5 questions डिस्कस करे थे। उधर हमारा मोटिव क्या था, ताकि हमें पता चल सके कि किस चैप्टर में हमारी कितनी प्रिपरेशन है। तो अगर अभी भी आपने नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो कि भाई आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर को उठाने की जरूरत है आपको। अगर आप इजीली आंसर दे पा रहे होगे उधर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर मेरा प्रिपेयर है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के सारे चैप्टर वाइज डिस्कस करे थे, और रीजन भी यही था चैप्टर वाइज का, कि हमें पता चल सके कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। और सिमिलरली मार्केटिंग वगैरह के हमारे शुभम सर ने कवर करे थे, तो वो भी आप देख सकते हो, जिससे आप एनालिसिस कर सकोगे कि कितना आपको आता है और कितना नहीं आता, या किस टॉपिक पे आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे अगर हम पास्ट ईयर देखें तो बहुत ही ईजी है। फिर आगे देखें तो हमारे पास कॉमर्स से, या फिर मैं बोलूं बीएससी से बेसिकली क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड की हो तो पता होगा बीएसटी का क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 1 है हमारा, बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन है 11th 12th का। तो मतलब हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूँ,
कि वो वैरायटी ले रहे हैं क्वेश्चंस में से, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में से ही क्वेश्चंस नहीं आ रहे। जैसे जीरो बेस्ड बजटिंग बिल्कुल ही कॉस्टिंग का अलग साइड हो गई, तो एक ही चैप्टर में से किसी, मतलब अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो सिर्फ एक चैप्टर पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं, ये इकोनॉमिक्स की बात करूं, वो वैरायटी ऑफ चैप्टर्स में से क्वेश्चंस को पिक कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉमर्स में से इजी क्वेश्चन है, फिर अकाउंट्स का इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो हमारी जनरली सिलेबस में दे क्या रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में से हमें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं पास्ट ईयर में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो माइट बी इस ईयर भी क्या करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में से ही 2-3 क्वेश्चन दे दे। जो हमारा चैप्टर था ना प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तो उसमें से वो 1-2 क्वेश्चंस इस साल भी दे दे, क्योंकि उधर वो हेडिंग यूज करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बहुत ही इजी है, आप सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ लेंगे तो इजीली डायरेक्टली आंसर दे देंगे। और अगर आप देख रहे हो तो भाई ध्यान से देख लो, समझना बहुत जरूरी है, क्रैम करके जाओगे तो आंसर नहीं होगा, उन्होंने केस स्टडी दी है फिर आंसर पूछा है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, डायरेक्टली कोई आपसे वो नहीं पूछी कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, या डेफिनेशन दे दी हो सेपरेट लीगल एंटिटी की और पूछ लिया हो कौन सा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। चले आगे, फिर हमारा करंट से इजी क्वेश्चन है, तो आप इस साल भी करंट से अच्छे खासे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इजिली स्पॉटलाइट कवर कर सकते हैं। फिर हमारा पॉलिटी से इजी क्वेश्चन है, आगे चले, नेक्स्ट हमारा पास आ गया पॉलिटी हिस्ट्री, और पॉलिटी से बहुत सारे इजी लेवल के ही क्वेश्चंस आए हैं। नहीं है पॉलिटी, अगर आप हमारे कोर्स में जाके स्टडी करेंगे या कहीं से भी स्टडी कर रहे होंगे तो बेसिक 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 आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने कहा था ना सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, पहले उन्होंने एचआरएम के 4 क्वेश्चन दिए, फिर बाद में एचआरएम के 4 क्वेश्चन और मतलब एक और क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्रेनिंग में से ही क्वेश्चन है दोबारा, तो ट्रेनिंग में से ही सिर्फ हमें 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिल गए, तो जो इजी क्वेश्चंस हैं, बट अगर आपने अच्छे से समझा होगा टॉपिक पूरा का पूरा अच्छे से टॉपिक समझा होगा तो आप इजीली आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। ठीक है, आगे चले, फिर हमारा एचआरएम से एक और क्वेश्चन है जो कि इजी है, और जो हमारा फिर आ गया एनवायरमेंट से इजी क्वेश्चन, देखो वो थोड़ा टॉपिक से बाहर भी गए हैं पिछली बार कि मतलब सिलेबस से बाहर, तो इस बार भी चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत वो डेविएट कर जाएं और दूसरे चैप्टर्स मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछ लें, बट क्वेश्चन बहुत बेसिक रहेंगे अगर वो दूसरे सब्जेक्ट से आ रहे होंगे, तो कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे। फिर आ गया एनवायरमेंट से इजी क्वेश्चन, उसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंट से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस बार कम एक्सपेक्टेशन होगी कि जो आएंगे जनरल स्टडीज के बेसिस पे ही आएंगे रेदर देन इन्वायरमेंट। उसके बाद अकाउंट्स का बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर अकाउंट्स नहीं भी आती तो ये वाला हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो तो हमारा उससे भी हो जाएगा, मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग से या मैथमेटिकल एबिलिटी से भी ये क्वेश्चन हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो भाई अगर अकाउंट्स दिख रही है तो जरूरी नहीं है, याद रखना कि जब हम मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमारा पार्टनरशिप आता है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सीधा ये ना हो कि आपने देखा बिजनेस इन्वेस्टिंग तो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया कि अकाउंट्स तो मुझे आती नहीं, तो क्वेश्चन को पढ़ लेना, माइट बी वो मैथ्स से ही निकले, क्योंकि रेशियो के जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो कभी कभार अकाउंट से रिलेट कर जाते हैं जो बिजनेस के पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे चले तो DI आया था, DI का लेवल इजी था, लेकिन इस बार हम सोच सकते हैं कि DI का लेवल थोड़ा टफ हो। DI को अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखना कि आप उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम मत करो। ठीक है, अगर टफ DI है तो लीव कर देना, बाद में टाइम जब बचेगा तो तब अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास पॉलिटी के मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हमारे पास पॉलिटी से ही मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं देखने को मिले हमें, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें सारी चीजें पढ़नी है, ये ना हो कि हम कुछ छोड़ के चले जाएं। ठीक है, आगे चले, पॉलिटी से मॉडरेट क्वेश्चंस देखने को मिला, कमीशन से रिलेटेड, लोकपाल से रिलेटेड। अच्छा, इधर हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब उधर उस टाइम पे लोकपाल बिल थोड़ा न्यूज में था, करंट में था, तो इसीलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है जो चीजें करंट में है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम हो रहा होगा तो उसके आने के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो जब आप करंट पढ़ रहे हो
तो उससे रिलेट करो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखो। फिर हमारे पास करंट से अकाउंट से बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया था। बेसिकली मैं अगर अकाउंट ना बोलूं तो ये भी कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कॉस्ट सेंटर है वो, ठीक है। तो कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद ओबी का, ओबी जो कि हमारा एचआरएम के अंदर आ गया, तो एचआरएम में भी बेसिकली ओबी को भी कवर करके चल रहे हैं, तो ओबी का क्वेश्चन है ये। उसके बाद आता है हमारे पास फिर ओबी से क्वेश्चन, इजी है बहुत ज्यादा। फिर हमारे पास ओबी से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो सारे क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने इजीली मेंशन कर दिया, आपको भी इसे एक बार गो थ्रू करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक में लिमिटेड है। सिर्फ एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि अकाउंट में मैंने अभी बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमें। या फिर मैं अगर एचआरएम की बात करूं तो ट्रेनिंग के क्वेश्चंस वो एक दो मिले, लेकिन बाकी फिर ये कॉस्टिंग में भी एक बार बजट में से लिया, एक बार कॉस्ट सेंटर से लिया। तो बेसिक हमारा आइडिया क्या होना चाहिए कि हमें कंसेप्ट्स मैक्सिमम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया केस स्टडीज। फिर मैंने कहा था ना कि भाई अगर रट के चले जाओगे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। देखो केस स्टडीज से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, केस स्टडी से क्वेश्चन है हमारे, तो पूरी केस स्टडी दे रखी है और फिर आपको आंसर देना। तो आप तभी देख पाओगे जब आपने उसके कंसेप्ट्स को अच्छे से फोकस किया होगा रेदर देन क्रैमिंग। तो सिर्फ क्रैमिंग पे फोकस नहीं करना, कंसेप्ट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का मॉडरेट क्वेश्चन है परसेंटेज बेसिस पे, तो इजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर आगे चले हम, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन। देखो स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन दे दिया, अब स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन दे दिया तो हमें ये नहीं करना कि भाई पूरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने बैठ जाना, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को फिर स्किप कर देंगे। अगर आता होगा एग्जाम में तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। तो अभी आपने स्टैटिस्टिक्स देखा प्रीवियस ईयर में, तो ये नहीं भाई पूरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने बैठ जाओ, तो ये गलती भी मत करना। देखो जब पढ़ने बैठोगे मैं अभी बताऊंगा एंड में स्ट्रेटेजी, अब आप क्या फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें 3 क्वेश्चंस मिले हैं स्टेटमेंट और एनालिसिस के, जो कि मॉडरेट लेवल के हैं। तो ये अगर आपकी मेंटल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होगी तो आप इजीली आंसर कर पाओगे और आप करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड रहोगे तो इजीली आंसर कर पाओगे। फिर हमारा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो कि हमारा स्पॉटलाइट में कवर हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद हमारे पास आया है पबेट से क्वेश्चन थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि डिफिकल्ट थे। फिर करंट मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, सिर्फ इजी क्वेश्चंस नहीं है, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। फिर मैथ्स का इजी क्वेश्चन डायरेक्शन का, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए अच्छी किस्मत, इजी डायरेक्शन वाले सिर्फ विद इन फ्यू सेकंड्स हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हिस्ट्री का हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। फिर करंट से हमारा बेसिक, मतलब करंट से हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जो कि मॉडरेट लेवल का है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है, सोसाइटी से 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले हमें यहाँ पे, ठीक है ना। ओबी से, ओबी का फिर क्वेश्चन आ गया इजी। तो देख रहे हो मिक्स क्वेश्चंस चल रहे हैं, पहले था कि इन्होंने पैटर्न फॉलो किया फिर नहीं किया। मिक्स क्वेश्चंस होने से क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा कि आपको उस टॉपिक पे वापसी आना होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखो पास्ट ईयर को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट। तो अब ध्यान रखना, देखो अब जो कौन सेलेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि वो इन 28-30 डेज को कैसे यूटिलाइज करता है। एक स्टूडेंट होगा वो पास्ट ईयर देखेगा और कहेगा भाई कितने वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसकी हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो एक स्टूडेंट तो वो होगा कि भाई वो कहेगा प्रिपरेशन क्या करने की जरूरत है, कि इससे बढ़िया डायरेक्टली जाके एग्जाम देंगे, जो आता होगा ठीक है, नहीं आता होगा तो ठीक है। तो ऐसे बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। एक स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, जो जो क्वेश्चंस में वो फंसेगा वो उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करता रहेगा। अब देखो आप कर क्या सकते हो कि जो टॉपिक्स आपके दे रखे हैं सिलेबस में, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एफएम, फिर उसके बाद मार्केटिंग, वो जनरल स्टडीज, उन सब की रिविजन स्टार्ट कर दो अभी से। अगर पढ़ लिया तो उनकी रिविजन स्टार्ट कर दो और एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो वीडियोस के थ्रू भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हमारे सारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट लगाओ।
एक तरीका तो ये है कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने के बाद लेट सपोज मोटिवेशन का क्वेश्चन था और मेरा गलत हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोटिवेशन का क्वेश्चन था मेरा गलत हो गया, अब मैं एनालिसिस कैसे करूंगा कि भाई मेरी वो मोटिवेशन की गलती हुई क्यों, क्या मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ था, अगर नहीं पढ़ा हुआ था तो उस टॉपिक को मैं दोबारा पढ़ूंगा या रिवाइज करूंगा। फिर साथ साथ जैसे मोटिवेशन में हमने बोला मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी से क्वेश्चन था अभी, तो अब जब मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का क्वेश्चन जब गलत हुआ तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ूंगा, लेकिन साथ साथ में दो थ्योरीज और रिवाइज कर लूंगा, लेट सपोज जो हर्ज़बर्ग वाली हो गई और एक्स वाई वाली हो गई, वो थ्योरीज को भी रिवाइज कर लूंगा। तो ऐसे जब प्रिपेयर करोगे तो आपका मैक्सिमम कवर होता रहेगा एरिया। और ऐसा मत करना कि भाई जैसे अभी इनकम टैक्स का क्वेश्चन देखा तो पूरी इनकम टैक्स पढ़ने बैठ गए, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन देखा तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने बैठ गए, रिस्ट्रिक्ट रहो। मेरे को चांसेस है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, जो हमें सिलेबस दे रखा है वो क्वेश्चन वो का, उसको आप रिवाइज करो थोरली, और जब बॉक्स लगा रहे हो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे या अगर किसी और सब्जेक्ट से मिल रहे हैं उसको आप इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि उसके बारे में जान लिया, थोड़ा सा ऊपर जान लिया, थोड़ा सा नीचे जान लिया। जैसे मोटिवेशन में एक थ्योरी, मोटिवेशन होता क्या है, मैस्लो से क्वेश्चन था तो मैस्लो के बारे में जान लिया और हर्ज़बर्ग के उसकी नेक्स्ट थ्योरी जान ली, सारी थ्योरीज पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है, इतना टाइम आपके पास है भी नहीं। लेकिन अब एक दिन का भी डिले करोगे तो याद रखना जो वो स्टूडेंट एक दिन पढ़ रहा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, ठीक। करना क्या, जो भी 20-30 डेज बचे हैं उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी हमारा सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब आपको क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करनी है, मॉक्स टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं और देखना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।